एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स रॉक विद मिनी। आई होप आप सब लोग ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। बस आज सुबह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया, बड़े दिन से संडे से लेकर अभी तक मैं रोज बना रही हूँ वीडियो, लेकिन मेरे को एडिट करने का टाइम नहीं मिला यार, सॉरी। तो मैं आज होपफुली एडिट करूँगी और आपको मिक्स मिलेगा संडे से लेकर अभी तक का। हमने अष्टमी, हमने रोड बनाया था, संडे को बाबा बालकनाथ जी का डे था। देन उसके बाद अष्टमी बनाई हमने, फिर अष्टमी पे पूरी हलवा छोले बने थे। तो वीडियो मैंने सारी बनाई हुई है, बट मेरे को एडिट का टाइम नहीं मिला। मैं आज एडिट करूँगी, आज डालूँगी, फिर आप इन्जॉय करेगा मेरे ब्लॉग को, ठीक है। और अगर आप नए हो तो मैं मिनी भारद्वाज हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, IT प्रोफेशनल हूँ पिछले 22 साल से, एंड बस व्लॉगिंग शुरू कर दी। बच्चे बड़े हो गए, थोड़ा वक्त मिल जाता है, तो सोचा करते हैं हम भी अपनी लाइफ शेयर, थोड़ा चैनल चल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा आपकी हेल्प से। तो बस अब मैं आई हुई हूँ अपनी डॉटर को लेने के लिए। सुबह वो स्कूल चली गई थी, कल उसकी 9वीं की छुट्टी थी तो कल वो घर पे थी, आज वो स्कूल गई है। आज मैंने उसको सुबह आलू का पराठा दिया था, और रंजन भी ऑफिस में है, रंजन की डाइटिंग फिर से चालू है। एज यू नो, जो पुराने व्लॉग्स देखते हैं मेरे, उनको तो पता ही है, रंजन शुरू करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर शुरू करते हैं छोड़। बट अभी उनकी बैक में प्रॉब्लम, थोड़ी पेन चल रही है, तो उनको वेट के लिए बोला है डॉक्टर ने, वेट थोड़ा सा कम करो, तो इसके लिए वो डाइटिंग फिर से कर रहे हैं। मैं बोर, मैं कुछ नहीं करती। तो मैं उसको, उनको फिर मैंने आज अच्छे से सैलड दिया है, और मिक्स वेज की सब्जी दी है, रागी की रोटी दी है, और कर्ड दिया है। आई होप वो अच्छे से लंच खा लेंगे, और फिर फ्रूट भी दिया है साथ में कि शाम को खा लेंगे। बाकी यू नो आई ट्राई फ्रॉम माई साइड, पर मेरी सुनता कौन है, पता ही है ना आपको पति कितना ही सुनते हैं। तो बस फिर यही है। तो हमने ब्रेकफास्ट में, आज मैंने उपमा बनाया था सुबह मम्मी और अपने लिए, उपमा यार मैंने ना बीच में बीट रूट डाल दिया, क्या वो रेड रेड बना यार, इतना अच्छा लग रहा था मैं घर, बहुत टेस्टी था। मैंने इतने सारी सब्जियाँ डाली उसमें, मैंने रेड एंड येलो बेल पेपर डाला, मैंने मटर डाला, कॉर्न डाला, प्याज, टमाटर, मटर, और क्या डाला, मूँगफली डाली, गाजर डाली। तो यू नो इतना फुलफिलिंग सा था ना, यू नो पूरे वेजीज मिला गया, और ना फिर बीट रूट से वो रेड हो गया, मज़ा आ गया। तो फिर वो हमने ब्रेकफास्ट में खा लिया था, लंच में अभी तक मैंने किया नहीं है, अभी 2 बजने वाले हैं, उसको लक्ष्यता को लेके जाऊँगी, फिर करेंगे लंच। बस यही है आज का, और ऑफिस है अभी चल रहा है, कॉल मेरी कॉल्स थोड़ी सी ख़त्म हो गई हैं, थोड़ी सी हैं अभी, 3 बजे कॉल है, फिर उसके बाद शाम को कॉल है। तो थोड़ी बहुत पोस्टपोन कर दी बिकॉज मेरे काउंटर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे, दूसरे रीजन में बैठते हैं, रात होते भी ख़त्म हो जाएगा। फिर कल फ्राइडे को बहुत, मतलब इतना लाइट है थोड़ा कल, और हम मंथ एंड, जो मंथ स्टार्टिंग थे, जो सारे काम होते हैं वो पहले ही इस बार ख़त्म कर दिए थे, तो अब हम सिर्फ एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स लेंगे, और जो हमारे फिस्कल ईयर की न्यू रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं अभी। तो बस वो हो रहा है, साथ साथ चल रहा है वो, एंड फिर उसके साथ फ्राइडे को कल मैंने सोचा है कि माउंटेड के पास जाऊंगी हरिनगर, और उनके पास रहूंगी, ट्राई करूंगी 2 दिन। बट अगर लक्षिता का ट्यूशन भी है ना, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उसका अब 11th की ना ट्यूशन शुरू हो गई है, उसने PCM लिया है, तो फिर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स का तो आपको पता ही है ना कितना प्रेशर होता है, और पहले ही इनिशियल मंथ्स में अगर वो कंप्लीट कर लेगी तो फिर लेटर ऑन उसे दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए अब वो ट्यूशन में बिज़ी हो जाएगी। बस ऐसे होता है ना, जब आप बच्चे बड़े होने लगते हैं तो आप भी बिज़ी हो जाते हो उनके साथ, है ना। तो बस फिर वो चलेगा, और एक दिन रहूँगी या 2 दिन रहूँगी, और फिर आ जाऊँगी वापस। और आपको बताया था मैंने, यू नो मेरे पापा ठीक नहीं है आजकल, तो वो मतलब वो बहुत टाइम से डिमेंशिया के शिकार हो गए हैं, एंड वो चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसलिए मम्मी ध्यान रख रही है उनका। बट देखिए कल जाते हैं और उनका हाल चाल पूछते हैं, वो बिल्कुल अब बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, तो एक तो उम्र भी होता है, और ऊपर से बीमारी ने उनको थोड़ा सा ना बहुत कमज़ोर कर दिया है, और मम्मा उनकी चिंता में कमज़ोर हो गई है। बस लाइफ गोज ऑन, राइट। वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विद मिनी। आई होप आप सब लोग ठीक है, मैं ठीक हूँ फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज आपको बैकग्राउंड थोड़ी चेंज दिख रही होगी ना, क्योंकि मैं मम्मी के पास आई हूँ, मैं कल रात को आ गई थी ऑफिस के बाद, और लक्षिता भी मेरे साथ आ गई, तो आज पति देव घर पे अकेले हैं, वैसे ऑफिस गए हुए हैं,
बट शाम को आएंगे तब तक हम वापस पहुँच जाएंगे वैसे, बट रात अकेले रहे वो और मज़े किए होंगे खूब उन्होंने, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मज़े किए लक्षिता के अपनी नानी के घर, तो हमने बहुत गप्पे मारी रात को। फिर हम 11:30 सो गए और फिर सुबह उठे। यहाँ पे चहल पहल थोड़ी अलग होती है क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये सोसाइटी नहीं है, तो कभी कूड़े वाला आ रहा है, कभी सब्जी वाला आ रहा है तो बड़ा मज़ा आता है। और क्योंकि वहाँ पे तो रौनक होती नहीं ना ये वाली सोसाइटीज़ में, तो कुछ कोई आवाज़ ही नहीं आती। हाँ, पीछे स्कूल जाए तो कभी वो स्कूल में फंक्शन है तो वो आवाज़ आती है, बट बाकी ये सब्जी वाला, कोई टिक्की वाला, वो बेल बजा रहा है टन 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 वो वाला, ऐसा कुछ आवाज़ नहीं आती वहाँ पर, बट यहाँ पर आती रहती है। तो यहाँ पर तो ना जब कूड़ा लेने आता है, जैसे वो गार्बेज लेने आता है, तो वो भी उसका भी अलग म्यूज़िक है, तो वो म्यूज़िक बजता है तो पता चल जाता है सबको कि कूड़े वाला आ गया, तो चलो चलो जी बाहर थैली दे दो उसको। तो बस यही सब हो रहा है। सुबह हमने चाय पी, उसके बाद उसके साथ तो हम रस और ब्रेड खा लिया हमने। फिर उसके बाद मैंने बनाया था पोहा, तो मैं पोहे की शक्ल दिखा देती हूँ आपको। मैं पोहे की शक्ल दिखाती हूँ। पोहा हमने बहुत ही ब्यूटीफुल बनाया था बहुत सारे वेजेस के साथ, तो मेरे हाथ का खाना है तो मैंने पोहा बनाया था। तो मैं बस नहा धो के, डैडी भी रेडी, मम्मी भी, मैंने भी नहा लिया, बस लक्षिता ये जो सोए जा रही है क्योंकि रात भर फिर नहीं सोई है, फ़ोन पे लगी हुई। और उसके बाद यू नो अब हम थोड़ा जब नानी के घर आते हैं तो पुरानी चीज़ें देखते हैं ना, तो यहाँ पे एक टेडी बियर को मम्मी ने, क्योंकि लक्षिता के छोटे कपड़े जो थे ना कुछ यहाँ पे जैसे कभी रहने आए तो रह गए, तो वो मम्मी ने एक टेडी बियर को पहना रखे, तो आपको दिखता एक टेडी बियर था लक्षिता का, वो यहीं पे था और उसने वो स्कर्ट पहनी हुई है, लक्षिता की स्पोर्ट्स वेयर एडिडास की शॉर्ट्स वाली स्कर्ट पहन रखी है, और इसकी लक्षिता की ये जैकेट होती थी जब वो चलना स्टार्ट हुई थी, तो बर्थडे पे ड्रेस ली थी मैंने एक उसकी जैकेट है ये, तो ये टेडी बियर ने पहनी हुई है। सो क्यूट, मज़े ले रहे हैं। बस वो अभी उसको उठाऊंगी, तो अभी बस बाहर सब्जी वाला आया था तो उसे खरबूजा लिया, फिर खरबूजा खाया फ्रेश थोड़ा सा ठंडा करके, फिर मैंगो ले लिए, मैंगो खाएंगे। घर पे भी खाते हैं बट वो मज़ा जो नानी के घर का है ना वो नहीं आता। तो बस मैं व्लॉग एडिट कर रही थी साथ साथ, तो मैंने सोचा कि अपलोड पे लगा दिया मैंने, रेंडर हो रहा है उसको थोड़ी सी देर लगेगी, तो आप अष्टमी का व्लॉग देखेंगे मैं आज डाल दूँगी। और उसके बावजूद उसके बाद थोड़ी सी मेरे भाई का रूम नीचे है तो उसका हम क्लीन कर रहे थे थोड़ा सा रूम, तो बहुत सामान वहाँ से भी निकला हमने, तो बहुत सारे काम जो मम्मी डैडी नहीं कर पाते अब इस उम्र में, तो वो वेट करते हैं कि मैं आऊँ कभी, या छोटी सिस्टर आए या भाई आए तो वो करवा दे। तो अब मैं आई थी तो मैंने करवा दिया, थोड़ा क्लीन करवा दिया नीचे, और बाकी मम्मी अब कूड़े कबाड़ी को दे देगी सारा सामान जो कबाड़ में निकला है। बाकी हमारे जो छोटे हमारे जो बच्चे हैं हमारे घर के, वो जब आते थे तो क्यूब्स खेलते थे, यू नो, तो उनकी क्यूब्स पड़ी हुई हैं। ये ध्रुव की है जो मेरी छोटी सिस्टर का बेटा है, उसकी क्यूब है, तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ था उनको क्यूब्स खेलने का। अब बच्चे बड़े हो गए, चले गए, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कैनेडा है, तो उनके टॉयज़ यू नो देख देख के उनकी याद आती है। तो बस क्यूब तो मैं पापा को इसको बिगाड़ के देती, बिकॉज आपको बताया था ना मैंने कि उनको डिमेंशिया है, वो भूल जाते हैं, लेकिन क्यूब को मैंने बिगाड़ के दिया तो उन्होंने बना दिया। कैन यू इमेजिन, मतलब ऐसे ही वो पज़ल वाले काम कर लेते हैं, और कैलकुलेशन दो तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो बस उनके साथ ऐसे मज़े करते हैं हम, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो जो नॉर्मल जो उनकी रूटीन होती है ना उससे बस यही चल रहा है। बाकी अब आराम कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट हो गया था, अब लंच में राजमा चावल खाएंगे हम, तो मम्मी के हाथ के राजमा चावल बहुत पसंद है बच्चों को, तो पहले से ही बोल दिया था नानी को लक्षिता ने कि राजमा चावल खाऊंगी, तो वो बनाती कश्मीरी राजमा जो मैं भी वही बनाती हूँ घर पे। तो कुछ लोग चित्रा बनाते हैं, चित्रा इज़ द बड़ा राजमा जो ब्राउन कलर का होता है, और कश्मीरी या जम्मू राजमा इज़ वेरी स्मॉल इन रेड कलर, वो ना खट्टा मीठा बनता है, बहुत अमेजिंग। तो मैंने किसी ना किसी एक ब्लॉग में डाल रखा है राजमा का रेसिपी, होपफुली अगर नहीं डाला तो मैं दोबारा बनाऊंगी ना जब, तो मैं डाल दूंगी, ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ चावल, वाह वाह वाह, मज़ा आ जाता है खाने का। तो बस इसी के साथ फिर मिलती हूँ मैं बाद में आपको, मैंने सोचा थोड़ा सा शेयर कर दूँ आपके साथ, फिर आगे आगे जो होता रहेगा मैं दिखाती रहूँगी आपको, ठीक है। तब तक मैं मम्मी के पौधे दिखाती हूँ, वैसे तो छत पर चढ़ा दिए उन्होंने सारे, बट थोड़े बहुत जो हैं यहाँ पर वो दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मा की तुलसी, और ये देखो थोड़े से यहाँ पे सजा रखे हैं, बाकी ना सब ऊपर छत पे कर दिए,
क्योंकि ना मम्मी से अब यहाँ पे मैनेज नहीं होता, तो बस बाकी बाहर का नज़ारा ऐसा है। ये नेट लगा रखा है ताकि, क्योंकि कबूतरों ने तो बेड़ा गर्क कर देते हैं ना वो पॉटी कर करके, तो बस यहाँ पे सामने शॉप्स ही शॉप्स हैं। बल्कि हमारी भी नीचे शॉप थी वो हमने अब बेच दी है, क्योंकि मम्मी होना तो नहीं मैनेज कर सकते। बस तो ये है बालकनी, ऊपर भी मैं आपको हैरान रह जाओगे क्या क्या पौधा नहीं है, उनको सारों के नाम भी पता है। She loves plants. इसको सदाबहार कहते हैं, इसका पता है मुझे, बाकी किसी का नहीं पता। ये तो शायद आम का पेड़ है भाई, है ना, लग तो आम का ही रहा है, मुझे खुद नहीं पता। ये कोई दोस्त देसी तुलसी है, बेजल टाइप। कितने सारे पौधे हैं, आई होप धूप में आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। और इस तरफ और हैं, मम्मी साथ में नहीं है, नहीं तो आपको सबके नाम बताती। मम्मी नीचे आराम कर रही है, उनको ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल है कि नहीं, वाह अमेजिंग। एक मम्मी बोल रही थी कोई, हाँ फायर क्रैकर प्लांट, दिस इज़ द फायर क्रैकर, जिसमें फायर क्रैकर की तरह इसमें से फ्लावर्स निकलते हैं, देखो अच्छा लग रहा ना। मुझे भी बहुत शौक है, करूँगी मैं भी कुछ तो करूँगी। और ये हमारा गेंदे का फूल, कलियाँ आई हुई हैं। बस ये हमारा बचपन का, बचपन की यादें हैं। ये भी रूम होता था जो अभी स्टोर रूम बना हुआ है छत पे, बस इसके ऊपर अब टंकी है और ये छोटा सा बाथरूम है जो छत पे बना रखा है हमने। चलिए फिर नीचे चलते हैं। आपने मेरी मामा का घर भी देख लिया, तो बस चलिए बंद करते हैं क्योंकि बहुत धूप हो रही है अभी। और पत्थर की सीढ़ियाँ हैं तो ये धीरे धीरे चलना पड़ता है, पकड़ पकड़ के, नहीं तो फिसल जाएंगे। सीढ़ियों की डेकोरेशन की है मामा ने। और ये हमारा रूम है भाई का, बस ज़्यादा नहीं जाती अब मैं अंदर, चलते हैं। चलिए दिखा दिया मैंने आपको, पौधे भी दिखा दिए, अच्छे लगेंगे आई होप आपको। तो ठीक है फिर, ठीक है दोबारा मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए एवरीवन वेलकम बैक। तो मैं आ गई थी वापस मम्मी डैडी के घर से, ज़्यादा नहीं बना पाई घर दिखाने के बाद, हम बिजी हो गए थे इन गप्पों में। और फिर लक्ष्य तक उन्होंने कोल्ड कफ हो गया, तो कोल्ड हो गया तो उसके ध्यान रखने में मैंने फिर वीडियो नहीं बनाई। तो फिर वापस आ गए थे हम रात को, हम 7 बजे तक वापस आ गए थे। फिर हमने फैमिली टाइम किया घर पे अपना, एंड देन गप्पे शप्पे मार रहे थे, तो मैंने सोचा वीडियो ऑन करूँ तो मैं भूल गई, सॉरी। फिर मैं अब मॉर्निंग हो गई है संडे की, तो आजकल रंजन फिर से यू नो बैक दर्द की वजह से थोड़ा सा हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, दो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा ही हेल्दी खाएँ, बट जब वो उनका दिल होता है तभी करते हैं। तो आज बन रहे हैं दाल के चीले और विद दाल सब गोभी, आलू गोभी वो खा रहे हैं। तो मैंने दाल का बैटर बना, दाल का जो बैटर हरी मूंगी होती है ना उसका बैटर बनाया। ये लाल इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बीटरूट डाला है, हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा सा मिंट, पालक और मसाले, तो ये बीटरूट की वजह से रेड हो गया है। तो ये चीला बन रहा है, ये चीला बन रहा है, एक मैं दे आई हूँ और ही स्टार्टेड ईटिंग, ब्रेकफास्ट टाइम और सो रहा है अभी, चाय वाय पी चुके हैं हम सुबह। मम्मी गई है नीचे पनीर लेने क्योंकि आज रंजन और मैं मिलके बनाएंगे पनीर लबाबदार, वो पता नहीं कौन सा बनाएंगे, आई डोंट नो बट पनीर बनाएंगे। तो छुट्टी के दिन ही लव्स टू कुक नाउडेज, तो फिर आज बनाएंगे मिलके, तो तब मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे बना रहे हैं, ठीक है। तब तक मैं इनको ऊपर कराती हूँ ब्रेकफास्ट और खुद भी खा लेती हूँ एक चीला, ठीक है। कैसा बना है पानी, पानी आता तो रंजन कह रहे अच्छा बना है, पानी देती हूँ इनको, फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
गई थी ना मैं, तो उसके ससुर जी जो हैं वो शीर बनवा के लाए हुए थे, शीर बनाया हुआ था, और साथ में वो सिवई का हलवा लाए थे। तो उन्होंने जितना वो लाए थे सारा मेरे लिए पैक कर दिया था और मैं लेके आई, और हमने पहली बार वो शीर, वो सिवई का हलवा खाया। और बेसिकली वो हलवा है वो ऐसे भी खा सकते हैं, और मैंने रंजन को मैं कैसे दे रही हूँ उसमें दूध मिला के, तो वो दूध सेवियाँ बन जाती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये है वो सिवई का हलवा। तो ये सिवई है, देखो ऐसे सजा के दिया था, और ये बहुत दिन चल गया है, तो मैं अब इसको इसमें थोड़ा सा डालूंगी और इसमें दूध डाल के गर्म कर दूंगी रंजन के लिए। एक हाथ में कैमरा है तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सब चीला भी बन गया है तो मैंने ये डाल दिया, अब इसमें दूध डालती हूँ। Where is the dude? Huh? मैं दूध डाल दूंगी बहुत सारा और फिर से माइक्रोवेव कर देती हूँ। इट्स बेटर तो थोड़ा ढक दो, क्योंकि माइक्रोवेव के ऊपर से सामान गिर सकता है। एक मिनट के लिए, डेढ़ मिनट के लिए चला दूंगी। बन गया है, चलिए फिर देखते हैं एक और चीला। उप्स, उल्टे हाथ का काम, सीधे हाथ का काम उल्टा हाथ नहीं कर सकता। स्टिल ट्राइंग। और ये एक तवा जो है ना काला हो गया बिल्कुल ऑयल की वजह से। चीला टेक्स टाइम, ओके। चीला कह रहे हैं हरी चटनी के साथ ट्राई करूँगा, तो हरी चटनी देते हैं जनाब को। कल मम्मी ने भी बना रखी थी हरी चटनी, उन्होंने अंगूर डाल रखे थे, हरे अंगूर डाल रखे थे, और अनारदाना भी डाला था चटनी में। वाह क्या चटनी थी, हमारी भी स्वाद होती है, और मेरी ननद बनाती है वो भी बहुत स्वाद हरी चटनी बनाते हैं। चलिए फिर हो गई है गर्म सिवैयाँ के हलवे में दूध, वाह बन गई सिवैयाँ। तो चलिए देते हैं रंजन को, ही जस्ट लव मीठा। बट ये इसमें खजूर है और शक्कर है, तो आई होप इट विल नॉट हार्म दैट मच। और वैसे भी मैंने सुना है अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद मीठा खाते हो इट्स नॉट हार्मफुल। आपके लिए मीठा। मैं भी बैठ गई हूँ अपना चीला लेके, दो मैंने अपने चीले को जला दिया। मेरे साथ यही होता है, मैं बर्तन करने लग गई इनको मीठा देने के बाद, और मेरा चीला तवे पे था। बट ठीक है, इट्स नॉट दैट बैड। तो अब मैं चटनी के साथ खा रही हूँ, मेरा भी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। चलिए फिर, आज के दिन का कोई और प्लान तो है नहीं, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। ठीक है, तब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा ना कि आप मेरी वीडियोज़ लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। अपने व्यूज़ शेयर करना, अपनी मतलब अपनी थिंकिंग शेयर करना, तो हो सकता है हम दोनों, हम सबकी सिचुएशन जो है ऑलमोस्ट सेम ही होती है ना, हम एक दूसरे से बांट सकते हैं। चलिए फिर मिलती हूँ दोबारा आपसे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो मैंने आपको कहा था मैंने पनीर बटर मसाला बनाना है, तो मैंने बना दिया है, और आज मैंने पति देव को मैंने सोचा आप आराम करो मैं ही बनाती हूँ। ही इज ऑल्सो सेड कि तेरे हाथ का खाना है, तो दो मैंने यूट्यूब से देख के बनाया है, तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है। तो ये बन गया है पनीर बटर मसाला, देखो मैं वीडियो ही देख रही थी, बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है, लाइफ लाइफ सब बन चुकी है। आ गए हैं मेरे पति देव टेस्ट करने। पहली बार मतलब YouTube पे देख के बनाया मैंने, पनीर भी तो लो। अरे बहुत गर्म है, धीरे धीरे धीरे। How's it? ये क्या होता है छोटू दिल, ये सो क्यूट। चलो फिर अब रोटी बनाते हैं इसका खाने के लिए। दो यूट्यूब में जिससे मैंने सीखा है उसने बोला कि इसको लच्छे पराठे के साथ खाएं, बट हम नॉर्मल रोटी के साथ खाते हैं। चलिए फिर बनाते हैं रोटी। रोटी बनाना कैंसिल।
हम मंगवा रहे हैं सिंगसाफ से लच्छा पराठा ही, तो अब इतनी मेहनत करके बनाया है पनीर बटर मसाला, तो फिर लच्छा पराठे के साथ खाएंगे। ठीक है चलो, फिर सबकी चॉइस से लच्छा पराठा मंगा रहे हैं, रंजन ऑर्डर कर रहे हैं, तो लच्छा पराठा के साथ खाएंगे पनीर बटर मसाला मेरे हाथ का। चलिए फिर हम लंच करते हैं, ये लंच हो गया है, अब डिनर में भी यही खाएंगे, अब भिंडी भी बनी हुई है, दाल भी पड़ी है, बहुत खाना हो गया, तो रात में डिनर में यही बनेगा, तो अब कोई सब्जी नहीं बनाएंगे हम रात के लिए, बस बाकी सब हम आज घर पे ही हैं, रेस्ट मोड ऑन है, और आती हूँ दोबारा आपसे अगले व्लॉग में। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट भी करके बताइएगा कैसा लगा। तो चलिए फिर इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ आज की, आई होप आप आज का व्लॉग भी इंजॉय करोगे, और अगर कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चुक होगी हो, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट मत भूलिएगा, ठीक है, कमेंट का वेट करती हूँ मैं, कमेंट को पढ़ती हूँ मैं, लाइक करती हूँ, फिर मैं अपने थॉट्स भी शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, ठीक है, तो आप अपना ध्यान रखिए और हेल्दी रहिए और खुश रहिए, तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है, तब तक के लिए बाय।